Maria Fayyad, your lecturer. Welcome to the 16th lecture of Developing Your Research Project. हम पहुंच गए हैं अपने 16 लेक्चर में और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइटिंग योर सेकेंड ड्राफ्ट. क्या होता है कि आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, उसके बाद आप उसको सुपरवाइजर से चेकआउट करवाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ओके आपने इसमें क्या चेंजेस करनी है, किस तरह आपने इसको डिवेलप करना है. फिर जो है आप अपने सेकंड ड्राफ्ट की तरफ जाते हैं. फर्स्ट ड्राफ्ट में आपने इंट्रोडक्शन लिखा होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं आप और पूरा अपने नॉलेजेबल चीजें जो जो आपको पता होती हैं अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर्स, इंट्रोडक्शन का, हाइपोथेसिस का, जो आपने क्रिएट किया होता है क्वेश्चन का, उसके बारे में आप तमाम चीजें लिख चुके होते हो. अब आप डिसाइड कर चुके होते हो कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है और आपने किस मेथड को लेकर चलना है. बिकॉज व्हाइल यू आर डेवलपिंग योर हाइपोथेसिस आप अपना जो है क्रिएट कर चुके होते हो, वेरिएबल्स क्रिएट कर चुके होते हैं. अब वेरिएबल्स क्रिएट करने के बेस पर आपको पता होता है कि किस तरह की जो है आपने कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेथोडोलॉजी का क्रिएट करना है. वो क्वांटिटेटिव हो सकती है, वो क्वालिटेटिव हो सकती है, किस तरह की मेथोडोलॉजी जो है वो आपको आपके लिए वर्केबल. ठीक हो गया. अब यहाँ से ताल्लुक शुरू होता है सेकंड ड्राफ्ट का. हम इन द लेक्चर ऑफ सिक्स लेक्चर हम ये डिस्कस कर चुके थे पूरा होल स्ट्रक्चर. पूरा होल स्ट्रक्चर में क्या था कि इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, देन सेकंड राउंड शुरू होता है कि हम बैकग्राउंड लिखना शुरू कर देते हैं. अब ये जो बैकग्राउंड होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, तो बस ये एक बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज होती है. तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने रिसर्च को पढ़ना होता है, उसको निकाल के अपने वर्ड्स में लिखना होता है और रिमार्क करनी होती है अपनी चीज़. राइट हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पीपीटी से. ओके जी, ये है हमारी पीपीटी और टॉपिक है हमारा लीडिंग टुवर्ड द सेकंड ड्राफ्ट, ब्रेक योर रिसर्च आइटम्स, सिस्टमैटिकली चेकिंग रिसोर्सेज एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग. अब आगे हमने पहले जो है मैं आपको होल स्ट्रक्चर बताना चाह रही हूँ जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है. उसके बाद आप देखते हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट में आप लोग लिखते हो कि ठीक है हमारा टॉपिक क्या है, मीन हमने किन किन चीजों को डिस्कस करना है. और फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेडिसिन के बारे में, आपने किसी मेडिसिन के बारे में, COVID-19 में कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत इफेक्टिवली यूज हुई है, ठीक है, फॉर द पेशेंट ऑफ COVID-19. एक आप लोगों ने ये ले लिया. अब आप लोगों ने कर लिया कि ये जो दवाई है ये असर कर रही है सिर्फ 18 to 35 एज मतलब फैक्टर के लोगों पर. अब आप लोगों का जो डिफाइन टॉपिक है वो क्या है कि COVID-19 पर स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो इफेक्ट कर रही. दिस इज योर टॉपिक. अब नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आपने किन लोगों को टारगेट किया है, कितने लोगों पर ये दवाई काम कर चुकी है और सक्सेस कितने लोगों पर ये सक्सेसफुल है या नहीं रही और इस तरह की रिसर्च आप करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ना हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर देते हैं कि आपने COVID-19 को ले लिया है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक मेडिसिन ले लिए जो कि डिपेंडेंट है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए. अब ये आपने देखना है कि अब ये काम करती है या नहीं करती. तो दो वेरिएबल हो गए आपने हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया. स्ट्रक्चर क्या बना लिया कि आपने लिख लिया ऊपर इफेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक मेडिसिन ऑन COVID-19. ये आपने क्या कर दिया, आपने इसको स्ट्रक्चर आउट कर दिया. अब मेन बॉडी आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ये आप एक्चुअली मेन बॉडी में आपने क्या लिखना है, लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड लिखना होता है. इसके लिए आपने बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है अबाउट द COVID-19, अबाउट द मेडिसिन, उसका बैकग्राउंड, किस किस बीमारी के लिए यूज हुई है, क्यों ये COVID-19 के लिए असर अंदाज की गई, मतलब हाँ ये COVID-19 के ट्रीटेबल है, COVID-19 को ये सप्रेस कर सकती है, क्यों यूज हुई है. फिर आपने मेथोडोलॉजी यूज कर ली कि ओके आपने एक एज फैक्टर ले लिया और एज फैक्टर क्या है आपका कि 18 to 12 to 35 एज के दरमियान जो लोग हैं मैंने उनको सर्वे करना है कि पूरे पाकिस्तान में उनको जो ये मेडिसिन दी गई है, इस एज के लोगों को जो मेडिसिन दी गई है या इस एज के लोगों को जो टारगेट किया गया है
तो क्या ये मेडिसिन इफेक्टिव रही है या नहीं रही है, तो आप उसको देखोगे, पढ़ोगे उसके बारे में, रिसर्च करोगे लिटरेचर रिव्यू में। और पूरी रिसर्च में एक चीज याद रखें कि आप लोगों ने जो चीज बहुत गौर से देखनी है वो ये है कि प्लेजरिज्म ना आए। प्लेजरिज्म मीन के कॉपी कुछ नहीं करना, अपने अल्फाज में चीजों को लिखने की कोशिश करनी है। मेन बॉडी में बैकग्राउंड आ जाता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, मेथोडोलॉजी आ जाती है। अब मेथोडोलॉजी में आप क्या करोगे, सर्वे कंडक्ट करते हैं। सर्वे कंडक्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है ओके जी, हम जो आप उस पे उस मेथोडोलॉजी के को अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि जी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है या नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। अब आप कहते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिसर्च मैं ये चीज प्रूव करना चाहती थी, कुछ भी प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि हाँ ये मेडिसिन मतलब स्पेसिफिक मेडिसिन इफेक्टिव है COVID-19 के लिए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे कि जी हम ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिसर्च कंडक्टेड बाय द क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, तो विच प्रूव दैट कि ये मेडिसिन दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक डिजीज आर COVID-19 यू कैन से। नाउ अब आपने इसको डिस्कशन करनी है। डिस्कशन आपने क्या करना है, डिस्कशन में आपने पूरा लिखना होता है कि जी किस तरह की मेथोडोलॉजी की गई, डिफरेंट कितने वर्क हुए इस पर, और आपने मेथोडोलॉजी कहाँ से पिक की, और फिर उसके बाद ये जो है बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आए। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो, आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हो कि ये मैंने क्वेश्चन डिराइव किया था और ये इसका आंसर है। आर्ग्यूमेंट में आप ये लिख सकते हो कि गैप फाइंडिंग, कि ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है कि मेडिसिन के डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल फार्मूलाज हैं, उन पर डिफरेंट एक ही मतलब मेडिसिन के डिफरेंट जैसे फार्मूलाज होते हैं तो उनके बेसिस पर आप लिख सकते हो कि इसमें अभी डिफरेंट तरह के गैप जो है वो फाइंड करना बाकी है, अगर आप करना चाहते हो। वरना आर्गुमेंट में आप अपने आर्गुमेंट को ही प्रूव कर सकते हो कि ये पेशेंट्स को ये जो है दवाई या ये मेडिसिन जो है वो लिखना मतलब लेना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए, कितने मिकदार में लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं इस तरह आर्गुमेंट में। अब जहां तक रह गई बात आपके स्ट्रक्चर करने की सेकंड ड्राफ्ट की, तो आप अब लिखना, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप साथ साथ लिख भी रहे होते हो और आपने क्या करना होता है अपने मेन बॉडी को कवर अप भी करना होता है कि भाई जो भी आपका नॉलेज साथ साथ आप इकट्ठा कर रहे हो, आप लोगों ने डिफरेंट पेपर्स पढ़ने हैं, पेपर्स पढ़ने के बाद उनसे जो है नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके उसको ऐड करते जाना है अपने पेपर में। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि आप ऑलरेडी पहले अपना एक माइंड मैप बना चुके हो। जब फर्स्ट ड्राफ्ट लिख चुके होता है इंसान तो काफी हद तक आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फर्स्ट ड्राफ्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड ड्राफ्ट फिर इसके बाद आप लिखते हो। अच्छा अब हम बात करें हैं स्टेप थ्री की, मेन बॉडी लिटरेचर रिव्यू रिजल्ट डिस्कशन। हमारा फोकस एरिया जो है इस वक्त शुरू हो रहा है मेन बॉडी से, मतलब हाइपोथेसिस हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लिटरेचर रिव्यू। मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट कर चुके हैं और अब हमने कंक्लूजन और रिजल्ट को देखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब इंट्रोडक्शन में भी कुछ लोग कहते हैं कि जी सारा कुछ होता है कि जी बैकग्राउंड हम लिख रहे हैं और लिटरेचर रिव्यू में भी हम बैकग्राउंड लिख रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जैसे ही आप टेक्स्ट शुरू करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखना शुरू किया है उसका इंट्रोडक्शन यानी उसकी बिगिनिंग जो है वो इंट्रोडक्शन कहलाती है। उसको आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि एक मॉस्किटो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये मॉस्किटो है, ये हमारे पास किस किस तरह की फीम मतलब किस तरह कौन सी स्पीशी है, हाइब्रिड है या नहीं है, तो कोई क्रॉप है तो आप उसके बारे में बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम वीट क्रॉप के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि वीट क्रॉप जो है वो क्या होती है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है पहली बात, तो और किस सीजन में होती है, अच्छा जी देखने में कैसे ब्राउन कलर की होती है, तो उसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं और बताते हैं कि जी मतलब उसका मेन मेन जो फीचर्स होते हैं ना, मेन मेन फीचर जो विजिबल फीचर होते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन कहलाता है। अगर हम इसी तरह लिटरेचर रिव्यू को देखें तो लिटरेचर रिव्यू इज लोकेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन आर बैकग्राउंड। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि वो इंट्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है और
आपका बैकग्राउंड जो है उसके बाद भी लिखा जाता है। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता, क्या बेसिकली लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि जो लोग इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी लिख चुके हैं उनके उनको स्टडी को एक्युमुलेट करना और फिर उस स्टडी के बारे में आपका जो व्यू है उसको लिखना, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है, लिटरेचर यानी किसी का लिखा हुआ काम और रिव्यू आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको रिव्यू कर रहे हो, अपने मतलब अपना व्यू उसमें ऐड कर रहे हो। इंट्रोडक्शन इज द मेन टेक्स्ट टू द रीडर। इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। और अगर हम इसी को देखें लिटरेचर रिव्यू को, critically evaluating the existing research on the selected research area and identify the research gap. बिल्कुल सही। अब रिसर्च में क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि आप डिफरेंट रिसर्चेस को लेते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करते हैं कि देखें सिर्फ मैं ये नहीं बात कर रही या कर रहा, डिफरेंट लोगों ने भी ये बात अपने अपने स्टडी में डिफाइन की है और किस किस तरह डिफाइन की है आप उसको कोट करते हो, कभी उनके अल्फाज में कोट करते हो और कभी अपने अल्फाज में भी कोट करते हो। हैव एलिमेंट्स सच एज बैकग्राउंड आउटलाइंस ऑफ द की इश्यूज। अच्छा देखें इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड की कुछ लाइंस होती हैं, कुछ आउटलाइंस होती हैं, कुछ इश्यूज को देखा जाता है, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, कुछ डेफिनेशंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल COVID-19 के बारे में रिसर्च करें तो आप बताएंगे कि ओके व्हाट इज COVID-19, चाइना से आया है, एक वायरस है और लोगों को इफेक्ट कर रहा है थ्रू डिफरेंट वेज। ठीक हो गया, अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। लिटरेचर रिव्यू क्या कहेगा, लिटरेचर रिव्यू ये कहेगा कि ओके इस ये वायरस जो है इस पर किस किस बंदे ने स्टडी किया है, किन किन लोगों ने उसको स्टडी किया है, किस तरह पता चला कि ये फैला, मतलब जाहिर बताया हमें कोई रिसर्च तो आई होगी ना जिससे पता चला कि ओके हाथ मिलाने से या स्नीज से या एक दूसरे के साथ मतलब डिस्टेंस ना रखने से जो है ये फैलता है। तो दिस इज द लिटरेचर रिव्यू, वो किसी जिस इंसान ने बताया, जिस इंसान ने इस चीज़ पर स्टडी की है उसकी स्टडीज को इन्होंने रिजल्ट आउट करके बताया है, क्योंकि ये वो सिम्टम्स हैं जो COVID-19 को इंसानों में फैलाते हैं। ओके नाउ हैव, अब यहाँ पर देखें, हैव समराइज रिव्यूज क्रिटिकली इवेलुएशन एंड कंपेरिजन ऑफ सेलेक्टेड रिसर्च स्टडी। क्या हो जाता है कि डिफरेंट जो स्टडीज हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि ओके हम किस तरह जो है इसको एवलुएट करेंगे। अच्छा ये हो गया हमारा अबाउट द रिसर्च, सॉरी इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। सही हो गया जी, आगे चलते हैं। ब्रेक योर रिसर्च टर्म्स। अच्छा अगर हम देखें ब्रेक योर रिसर्च टर्म, मतलब मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है कि डिफरेंट रिसर्च टर्म्स का क्या मतलब है, लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है, मेथोडोलॉजी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ओके जी, लिटरेचर रिव्यू जो सर्वे है स्कॉलर, यहाँ पर अगर हमें इसको बताऊँ तो जो लिटरेचर रिव्यू हमें कहाँ से मिलता है, आर्टिकल से, बुक से, अदर रिसोर्सेज से जो रेलिवेंट होते हैं आपके रिसर्च के। ठीक है, रिव्यू शुड बी एलिमिनेटेड, डिस्क्राइब, समराइज, ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट एंड क्लेरिफाई दिस प्रीवियस रिसर्च। आवर लिटरेचर रिव्यू इज अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ अ रिसर्च ऑन द टॉपिक। अच्छा जी, अगर एक प्रॉपर जो लॉरेंस मैच एंड ब्रेंडा की डेफिनेशन है, अ लिटरेचर रिव्यू इज अ रिटन आर्गुमेंट दैट प्रमोट अ थीसिस पोजीशन बाय बिल्डिंग अ केस फ्रॉम क्रेडिबल एविडेंस बेस्ड ऑन अ प्रीवियस रिसर्च। इट प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड अबाउट द करंट नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड लेज आउट ऑफ लॉजिक केस to defend the thesis position taken. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, एक कम्प्रिहेंसिव समरी है किसी भी रिसर्च। अब आप क्या करते हो, आपने एक क्रेडिबल
एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं ना. आप फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उस नॉलेजेबल आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस आपके पास होते हैं. अब वो एविडेंस जो है वो क्या होता है, वो होता है लिटरेचर रिव्यू. ठीक है, और आपको डिफरेंट आर्टिकल आप पढ़ेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको जो है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा लगेगा कि ओके दिस इज द पॉइंट कि मैं इसको अपने लिटरेचर रिव्यू में शामिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो आप उस ऑथर का रेफरेंस देकर उस लाइंस को आप कोट करेंगे अपने उसमें, अपने रिसर्च पेपर में या अपने प्रोजेक्ट में या अपनी प्रेजेंटेशन में. ओके, अब क्या होता है जी, कंक्लूजन क्या होता है, आंसर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड सिग्निफिकेंस. इन चीजों को देखिए, आंसर क्या होता है, इंक्लूड अ डिसिसिव एंड क्लियर आंसर टू एनी क्वेश्चन सेट. अब क्या करते हैं कि आप अपने क्वेश्चन का एक मुकम्मल तौर पर आंसर करने की कोशिश करते हैं. जो भी आपने क्वेश्चन दिया है, बिकॉज यू डिसिसिव का मतलब क्या है कि आप उस चीज को प्रूव कर चुके हो. ठीक है, आपने अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई की, आपने एक सर्वे किया, आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, आपने उसके ऊपर फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोग इस पर वो लगाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, उसको करके आपने एक आंसर निकाला है और उस आंसर के मुताबिक आपने अपना क्वेश्चन को प्रूफ किया है. तो आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारा कुछ. आर्गुमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ योर आर्गुमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट ऑफ योर आर्गुमेंट क्या था, वो क्वेश्चन था जिसे आपने प्रूफ किया है और आप अब बताना चाह रहे हो कि हाँ मैंने इतने परसेंट इसको प्रूफ कर लिया है. नाउ हम इसको डिस्कस करेंगे कि मेरा पॉइंट वैलिड था, मैंने इसको प्रूफ किया है थ्रू मेथोडोलॉजी, डिफरेंट रिसर्च के आपने उनको रेफरेंसेस देंगे कि जी हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च जो है उसके थ्रू ये गेन किया है कि बहुत सारे लोग इसको स्टडी कर चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, वैलिड पॉइंट है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंस क्या है कि आप अपने आर्गुमेंट को कैसे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे देखते हैं. जैसे मैंने कहा कि आपने एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में स्टडी किया है और आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक, आपको मतलब आपकी रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये जो मेडिसिन है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है. अब आपने बताना है कि हाँ अगर यही मेडिसिन इतनी स्पेसिफिक तादाद में, इतनी क्वांटिटी में, इतने मतलब डोजेस में जो है लोग इसको लें तो ये क्लियर एक सिग्निफिकेंस रिजल्ट शो करेगा विद एग्जांपल्स जो भी आपने अपने एविडेंस से इकट्ठा किया है. उसके लिए आपने एविडेंस, प्रेजेंट एविडेंस को देखना है कि जो अभी रिसेंट एविडेंस है उनका क्या बना. ठीक है, फैक्ट्स देखने हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात करनी है कि डॉक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन की, COVID-19 के मेडिसिन की बात करी तो आपने देखना है कि ओके मेडिसिन पे किस किस तरह के डॉक्टर्स ने काम किया है, उनके रिसर्च क्या थे, उनके रिजल्ट्स क्या थे, और आप उनके बारे में स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं और लोग अपने रिसर्च में ऐड भी करते हैं, कोट्स डाल सकते हैं उनके, और इंटरव्यू शॉर्ट इंटरव्यूज कंडक्ट करके जो एक मतलब एक डॉक्टर हों जो अच्छे रेपुटेशन है या उनका नाम है, इस तरह करके आप उनको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर द टेक्स्ट अकॉर्डिंग योर फाइंडिंग, दिस विल हेल्प द कम्प्रीहेंशन एंड स्पीड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोवाइडिंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू. वी इंट्रोड्यूस यू द चेकलिस्ट टू द फैक्टर यू शुड कंसिडर एवरी टाइम यू कैन फाइंड रिसोर्सेज. अच्छा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक छोटा सा चेकलिस्ट सा देना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपना रिसर्च फाइंड करें ना, यानी आपको रिकॉर्ड मतलब अपनी फाइंडिंग को रिकॉर्ड करने का. अब ये होता है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, हम आर्गुमेंट के लिए अपने एक्सेस कर रहे होते हैं, अपने एविडेंस, अपने फैक्ट फिगर्स को देख रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम उसको कैसे कैसे एक तरफ लिखते हैं, कैसे हम जो है उस अपने डेटा जो है इकट्ठा करें. अगर हम वर्ड पे भी कर रहे हैं या किसी तरह कर रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट कैसे बनाएं. अब वो चेकलिस्ट, ये बड़ी मजे की चीज है, अगर आपने इसको देख लिया
तो ये आपको अपनी रेफरेंसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, साइटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पब्लिकेशन डेट आपने इस तरह बना देते हैं, जैसे ही आप कोई पेपर, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर पढ़ रहे हो, तो आपने क्या कर देना है, एक साइटेशन पब्लिकेशन डेट लिखनी है, इट इज अप टू डेट, उसका डेट क्या था, उस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है कि कब पब्लिश हुआ, हु इज द ऑथर, आपने देखना है व्हाट इज देयर बैकग्राउंड, आर दे आर एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इफ सो दे आर प्रोवाइडिंग एनी मटेरियल दैट यू कैन एक्सेस, आपने देखना है कि ऑथर कौन है, ऑथर ने इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कितना कुछ लिखा है, तो आप उसको फॉलो करते हुए दो तीन पेपर भी पढ़ सकते हो या पांच छह। कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेंट्स क्या है, चेक द चैप्टर टू सी इफ देयर आर एनी दैट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिमेंबर यू कैन लीगली फोटोकॉपी वन फुल चैप्टर ऑफ द बुक, डू नॉट पॉज। अच्छा देखिए, आपने उसको कॉपी नहीं करना, याद रखें उसने कॉपी नहीं करना, जैसे डिफरेंट ऑथर ने बुक लिखी होती है या आर्टिकल्स लिखे होते हैं, उसमें आपने देखना है कि उसमें कौन से चैप्टर आपके काम के, आपने सिर्फ उसको फोकस करना है। इंडेक्स क्या है कि आपने रेफरेंस चेक करने हैं, रेफरेंस आप चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट थीम्स और टर्म्स आपको मिलेंगी जो आपने ऐड कर सकते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट, और आपने एक पोर्शन बनाना है इंट्रो, एब्स्ट्रैक्ट, प्रेस रिलीज, एग्जीक्यूटिव समरी, अब आपने उसमें जो चीजें हैं वो पॉइंट इसमें ऐड करते जाना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेपर है, आप उसको पढ़ रहे हो, अब आपको लगता है कि ओके दिस इज समथिंग, मतलब उसकी उसका जो स्टार्ट में कुछ लाइनें हैं आपको लगता है कि हाँ ये मेरे इंट्रोडक्शन का हिस्सा बन सकती हैं। इसके बाद आप देखते हो, आप उसको जब इंट्रोडक्शन के बाद बैकग्राउंड नॉलेज के कुछ पार्ट पढ़ने शुरू करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा रेफरेंस बन सकता है या मेरा लिटरेचर रिव्यू का ये पार्ट है, आप उसको कॉपी करके अपने लिटरेचर रिव्यू के बॉक्स में डाल सकते हो। आप इस तरह करके अपने पास बॉक्सेस बना लो, ठीक है, हर आर्टिकल के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं और डिफरेंट आर्टिकल को कैप्चर करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। स्कैन द बिगनिंग एंड द कंक्लूजन, सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने छोटे आर्टिकल पढ़ने हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ना है या बुक पढ़नी है, तो आपने क्या करना है, बुक पढ़नी है तो उसके कॉन्टेक्स्ट देखें और आपको पता चल जाएगा ओके इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, वो ही सिर्फ फोकस करना है। अगर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो याद रखें सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, इंट्रोडक्शन के बाद मेथोडोलॉजी पढ़ें उसकी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इंट्रोडक्शन का, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसकी बात करें, अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन पढ़ें। जिन आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, उनका इंट्रोडक्शन बड़ा स्मॉल होता है, तो फिर आपने ये नहीं एब्स्ट्रैक्ट के पीछे के एब्स्ट्रैक्ट नहीं है इसको, तो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट आर्टिकल, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट ऐड करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन पढ़ें, मेथोडोलॉजी की पांच छह लाइनें पढ़ें, मेथोडोलॉजी को देखें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, अगर आपके काम की है तो उसको डिटेल में पढ़ें, ग्राफ और इस सब में जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मेथोडोलॉजी को फोकस करना है। उसके बाद मेथोडोलॉजी के बाद आपने रिजल्ट, कंक्लूजन और आर्गुमेंट्स को पढ़ना है, हो सकता है कि इसी पेपर में ही आपको अपना गैप फाइंड मिल जाए या आप एक नए गैप पे काम करना स्टार्ट कर दें अगर आपको अभी तक अपना टॉपिक नहीं मिला है। नोट डाउन द रेफरेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, प्लेस ऑफ द पब्लिश, डेट ऑफ द पब्लिश एंड यू पेपर पेजेस यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंसेस के लिए आपको बहुत बहुत काम आने वाली चीज है। जब भी कोई आर्टिकल पढ़े उसको ऐसे मत जाने दें, साथ साथ उसके नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल ऑफ द ऑथर, पब्लिकेशन पब्लिकेशन डेट, पेज नंबर, जो भी जितने भी उसने यूज किए हैं वो मस्त लिखिए, आगे जाके जब आप साइटेशन करेंगे, पेज करेंगे, रेफरेंस करेंगे तो आपको बहुत बहुत काम आएगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का मैंने आपके लिए बना दिया है कि आप रेफरेंस पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लेकर इसके साथ इस तरह का ही बना सकते हैं, हर आर्टिकल के लिए आप लिख लें पब्लिकेशन डेट, इज इट अप टू द डेट, अप टू द डेट है या नहीं, आउट ऑफ डेट हो गया, खत्म हो गया। आर देयर इज अ न्यू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, क्या उसने कुछ ऐसा दिया है कि मुझे इसमें कोई नई चीज मिल रही है, हु इज द ऑथर, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो किसी और किसी ऐसे सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है जो आपसे रिलेटेड है, मतलब उसने कुछ ऐसा मटीरियल लिखा है जो और भी आपको हेल्प कर सकता है, तो उसको और सर्च करें। चैप्टर्स की बात हो गई, कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई कि आपने डिफरेंट रेफरेंसेज देखने हैं, फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट का बता दिया, स्कैन कर बिगिनिंग हो गई, अब जो नोट डाउन द रेफरेंस इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस यूज,
फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज मेक श्योर द रिकॉर्ड द यूआरएल, जो यूआरएल जो ऊपर आ रहा होता है ना आपका, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर एक बड़ी सी लाइन आ रही होती है, एक यूआरएल एड्रेस आ रहा होता है, उसको कॉपी कर लेना है कि भाई ये मैंने यहाँ से पब्लिकेशन को देखा है। आप हाइपरलिंक क्रिएट करके भी वो पब्लिकेशन में ऐड कर सकते हैं और उसके डेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की डिटेल लिस्ट बनानी है, हर बंदे ने लिस्ट बनाकर मुझे सेंड करनी है ताकि मैं देखूं कि आप लोग किस तरह काम करें। कोई भी आर्टिकल आपने उठाना है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक के रिलेटेड, और इस तरह का आपने बनाकर मुझे सेंड करना है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखें। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर, सो यू टेक केयर, और ये काम आपने करके मुझे बताना है, इट इज रियली हेल्पफुल इन योर रिसर्च। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह।